हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर देवाशीष मिश्र। वेरी गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। अभी भी मैंने कमेंट चेक किया, नसीम अहमद, उनका एक क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? जो क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है बहुत सारे बीपीयूटी का स्टूडेंट है जो अभी थर्ड सेम में गए हुए हैं, उनके मन में एक क्वेश्चन होगा। एंड जो फिफ्थ सेमिस्टर सेवेंथ सेमिस्टर में है एंड जिनका फर्स्ट सेमिस्टर में, सेकंड सेमिस्टर में, थर्ड सेमिस्टर में बैक है, सो उनके मन में भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली होगा। सो क्या है वो क्वेश्चन, उसके ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। नसीम अहमद ने जो क्वेश्चन पूछा है, उनका एक या दो पेपर बैक लग चुका है। ओके, अभी तो सिलेबस चेंज हो चुका है। सो वो क्या न्यू सिलेबस, अभी जो न्यू सिलेबस बीपीयूटी की तरफ से आया है वो पढ़ेंगे, मतलब जो क्वेश्चन आएगा बीपीयूटी की तरफ से, जो नेक्स्ट टाइम वो एग्ज़ाम अटेंड करेंगे बैक पेपर, क्या वो जो न्यू पेपर न्यू सिलेबस है उसके हिसाब से क्वेश्चन आएगा या ओल्ड सिलेबस के हिसाब से, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। उसके ऊपर भी मैंने तुम लोग को एक वीडियो में बताया था तुम लोग को क्या कन्फ्यूज़न है। मैंने बोला था कमेंट करो, मैं उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। आज डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ। देखो, मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर तुम्हारा बैक है तो फिर तुम ओल्ड सिलेबस फॉलो करोगे, न्यू सिलेबस नहीं। न्यू सिलेबस इज़ फॉर दी फ्रेश स्टूडेंट्स, मतलब जो फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर हुए हैं उनके लिए वो सिलेबस है। अभी जो थर्ड सेमिस्टर चेंज हुआ है, जो फर्स्ट सेमिस्टर स्टूडेंट लोग प्रमोट होके थर्ड सेमिस्टर को आए हुए हैं उनके लिए है। लेकिन जो थर्ड सेमिस्टर से, मतलब सेकेंड ईयर से फिफ्थ सेमिस्टर को प्रमोटेड हुए हैं उनके लिए नहीं है। अगर उनका बैक है तो फिर वो जो पढ़े थे जो सब्जेक्ट उसमें एग्जाम देंगे, क्योंकि सब्जेक्ट कोड डिफरेंट है। तुम लोग जब पढ़ रहे थे जो सब्जेक्ट, तुम लोग जाए भी चेक भी कर सकते हो, वो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कोड, ये सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कोड डिफरेंट है। जैसे कि मैं तुम लोग को एग्जाम्पल दे सकता हूँ, सब्जेक्ट का नाम भी चेंज हो चुका है। थर्ड सेमिस्टर स्टूडेंट लोग, जिन लोग को नहीं, अभी जिन लोगों का फिफ्थ सेमिस्टर हुआ है, तुम लोग जाकर चेक कर सकते हो। तुम लोग जब पढ़ रहे थे तुम्हारा सब्जेक्ट था नेटवर्क थ्योरी, अभी वो कन्वर्टेड हो चुका है ECA। ओके, सो सब्जेक्ट का नाम भी चेंज हो चुका है। सो इसलिए मैं तुम लोग को बोलना चाहता हूँ, तुम जो सब्जेक्ट पढ़े थे, कंप्लीट किए थे सिलेबस, वो सिलेबस को तुम दोबारा प्रिपेयर करो। एग्जाम जब होगा, तुम्हारा जो बैक पेपर होगा अकॉर्डिंग टू दी ओल्ड सिलेबस ही होगा। सो कोई चिंता करने की बात नहीं है, कंप्लीट न्यूज़ है, कंप्लीट एनालिसिस है। सो दोस्तों में से डेफिनेटली शेयर कर लेना, सारे बोल रहे थे एंड इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो लाइक कर देना, डाउट है तो कमेंट करके बताना, न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे न्यू अपडेट तुम लोग को हर दिन मिलता रहेगा। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू इम्पोर्टेंट अपडेट के साथ, तब तक थैंक यू।